आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से। इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, चुनाव के बाद अब ये फिल्म होगी रिलीज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल किया, राहुल गांधी का पूरा परिवार रहा मौजूद। नरेंद्र मोदी का एक बार फिर कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस ने बनाया मध्य प्रदेश को अपना ATM। भारत बढ़ाएगा अपनी सैन्य शक्ति, रूस से 464 नए T-90 टैंक खरीदने के सौदे को मंजूरी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नक्सल नीति पर सवाल, असमंजस में है फोर्स के जवान। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज और अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम से बन रही बायोपिक पर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी और ये साफ साफ कह दिया था कि इस मामले में चुनाव आयोग फैसला करे। आज चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इस किस्म की कोई भी फिल्म फिलहाल रिलीज किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं की जा सकती है जिसका संबंध राजनीति से हो, और ये फिल्म सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। एक्टर विवेक ओबेरॉय इसमें मुख्य भूमिका में है और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चलचित्र के जरिए, सिनेमा के जरिए, इस फिल्म के जरिए बीजेपी लाभ लेना चाहती है चुनाव में। इस कारण फिलहाल चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया है। बायोपिक PM नरेंद्र मोदी तय रिलीज डेट पर नहीं आ पाएगी। फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मोदी बायोपिक सहित ऐसी किसी भी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई है जिनका संबंध राजनीतिक है और वे चुनाव पर असर डाल सकती हैं। फिल्म को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया या सिनेमा के दूसरे माध्यम पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की गहराई से जांच करेगी। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक चुनाव के चलने तक PM नरेंद्र मोदी की बायोपिक को रिलीज नहीं किया जा सकेगा। बायोपिक के कंटेंट को लेकर विवाद के चलते मूवी के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था अभी तक मूवी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, ऐसे में फिल्म से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर PM नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को रिलीज होती है तो इस संदर्भ में क्या करना है इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग इस बात का निर्णय लेगा कि PM नरेंद्र मोदी किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रही। राजनीति की दूसरी बड़ी खबर अमेठी से। कांग्रेस अध्यक्ष व अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ उनकी मां और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। राहुल अपना नामांकन पत्र भरने से पहले गौरीगंज पहुंचे, यहां से उनका भीड़ भरा रोड शो शुरू हो गया, कलेक्ट्रेट तक जारी रहा। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा और भांजी रेहान और मिराया भी मौजूद थे। पहले उनकी मां सोनिया गांधी के भी रोड शो में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में वे सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। राहुल के रोड शो में विशेष झंडे नजर आ रहे हैं जिन पर न्याय योजना के नारे लिखे हुए हैं।
अमेठी सीट के राहुल गांधी के सामने एक बार फिर से स्मृति ईरानी मैदान में हैं। 2014 में हार के बावजूद स्मृति ईरानी इस बार फिर से राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए उतर आई हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से भी नामांकन दाखिल किया है। प्लीज भैया डिबेट करना चाहें, मैं देश को बता रहा हूँ कि राफेल मामले में खुल्लम खुल्ला चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं और चौकीदार मुझसे डिबेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि चौकीदार जी जानते हैं कि जिस दिन मेरे साथ उन्होंने डिबेट कर दिया भ्रष्टाचार वो हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं लगा। अपने चुनाव अभियान पे निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहाँ पड़े इनकम टैक्स के छापे पर चुटकी ली और कहा कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। उन्होंने कहा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को अपना एटीएम बना लिया है। जूनागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में पड़े आयकर के छापों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोटाले में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसों को लूट रही है। मीडिया में दिख रहा है कि कांग्रेसियों के पास से बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। कांग्रेस ने पहले कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया, अब मध्य प्रदेश भी कांग्रेस का एटीएम बन गया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है, कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। मोदी बोले कि मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो इन्होंने आपके इस बेटे को ना दी हो। क्या जूनागढ़ और सोमनाथ का व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोचिए, अगर सरदार साहब ना होते तो जूनागढ़ कहाँ होता? मोदी बोले, जब मोरारजी देसाई उभर कर आए तो इन्हें उनके लिए भी नफरत हो गई। सिद्धांतों के लिए जीने वाले मोरारजी की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। अब इन्हें मुझसे मुसीबत है कि एक चाय वाले ने पूरे दमखम से 5 साल कैसे निकाल दिए। कांग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन एक ही गाना बजता है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। एक खबर छत्तीसगढ़ से, ये खबर बताती है कि जब राजनीति कमजोर हो जाती है तो नक्सलवादी किस तरह से हावी होते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया जिसमें स्थानीय भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी और 5 जवान शहीद हो गए। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की अंत्येष्टि के बाद छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार की नक्सल नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार बदलने के बाद से फोर्स असमंजस में है। जवानों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की नीति क्या होगी। जंगल में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगभग बंद जैसे हैं, जिससे नक्सलियों को बाहर निकलकर वारदात करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद हुए बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस घटना के बाद से ही प्रदेश में शोक का माहौल है। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया था। घटना के बाद पॉइंट पर फॉरेंसिक जांच टीम श्यामगिरी पहुंची। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि IED विस्फोट से उस जगह पर 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर गहराई का गड्ढा हो गया है। विस्फोट में 40 से 45 किलो का IED बम इस्तेमाल किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द से जल्द ये तय करना पड़ेगा कि नक्सलवादियों के खिलाफ उनके ऑपरेशन जारी रखे जाएं या फिर बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। जो भी हो, तत्काल सरकार को इसको लेके कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा नक्सली अपनी से बाज आने वाले नहीं है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था।
इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर, सबसे छुपाकर, पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से, इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं, हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से, बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संसदीय सीट वाराणसी से 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी इसके लिए 25 अप्रैल को ही काशी पहुंच जाएंगे और एक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी में पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी का रोड शो बीएचयू गेट से शुरू होकर कचहरी रोड तक चलेगा। मोदी 26 अप्रैल को ही नामांकन भरेंगे। मोदी के नामांकन और रोड शो के वक्त पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी दिग्गज नेता मौजूद रह सकते हैं। वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान शुरू होना है, यहाँ 19 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक वाराणसी में कोई चुनावी रैली नहीं की है। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले और उसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से 464 नए T-90 टैंक खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है। इस रक्षा करार पर निकट भविष्य में दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। 13,500 करोड़ रुपए की लागत से मिलने वाले T-90 टैंक को भारत पाकिस्तान की सीमा में तैनात करेगा। नए T-90 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रात में भी दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इस डील के बाद भारतीय सेना के पास तोपों की संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। भारत के पास फिलहाल T-72 और T-55 टैंक हैं। भारतीय सेना अर्जुन मार्क 1 टैंक की 2 रेजिमेंट को हमेशा तैनात रखती है, जिनका इस्तेमाल रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। भारत ने रूस से साल 2001 में 310 T-90 टैंक खरीदे थे। यह भारत में पहले से इस्तेमाल हो रहे T-72 टैंक का ही विकसित रूप है। इसके करीब 60% पुर्जे वही है जो T-72 टैंक में इस्तेमाल होते हैं और इसकी ट्रेनिंग और रखरखाव आसान है।
फायर पावर की बात की जाए तो यह टैंक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक स्थित किसी टारगेट की पहली ही बार में मार गिरा सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति अगर इस टैंक का संचालन कर रहा हो तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टैंक दौड़ाते हुए 1.5 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर के बीच स्थित 7 टारगेट को 54 सेकंड में मार गिरा सकता है। कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने एक और काली कमाई के कुबेर का खुलासा किया है। लोकायुक्त पुलिस ने ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर SC सिटोके के यहाँ छापा मारा तो आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। लोकायुक्त पुलिस ने होशंगाबाद में तैनात ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर SP सिटोके के भोपाल स्थित घर पर छापा मारा। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित नूपुर कुंज में मैनेजर सिटोके के बेटे का घर है। यहाँ आज सुबह लोकायुक्त की टीम पहुंची थी और छापे की कार्यवाही को अंजाम दिया। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। भोपाल के अलावा लोकायुक्त पुलिस की टीम ने इस सिलसिले में हरदा और टिमरनी में भी छापा मारा है। उपरांत ये पाया गया कि इनके पास जो संपत्ति है वो इनकी आय से अधिक है। उसके पश्चात इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/2019 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध करने के उपरांत आज लोकायुक्त भोपाल की 3 टीमों ने इनके अलग अलग स्थानों पर जो इनसे संबंधित थे छापेमारी की है। लोकायुक्त टीम ने जब सिटोके के घर में दस्तावेजों की जांच की तो आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर के ठिकानों पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में लोकायुक्त की कार्यवाही जारी है। देखने में यह आता है कि लोकायुक्त पुलिस छोटे लोगों के यहाँ छापेमारी करती है और काली कमाई उजागर भी करती है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर बड़े अधिकारियों के यहाँ हों तो लगता है कि और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी हूँ, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकौड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। वो कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था, इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर, सबसे छुपाकर, पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने GST की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से, बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान रतरबू महामाया मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं रतनपुर महामाया मंदिर में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम इस प्रदेश की 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने मरवाही थाने में हुई मारपीट की घटना को लेकर तत्काल बिलासपुर एसपी को थाना प्रभारी को हटाने के आदेश दिए हैं। बिलासपुर एसपी ने मुख्यमंत्री के आदेश मिलते ही तत्काल मरवाही थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। मध्य प्रदेश रेल पुलिस ने वलसाड़ पुरी एक्सप्रेस में सेना के रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी का पर्स चुराने के मामले का पर्दाफाश किया है। पर्स में मोबाइल फोन सहित करीब 12 लाख रुपए के सोने के जेवरात रखे हुए थे। पुलिस ने आरोपी को पटना से हिरासत में लेकर चोरी गया सोना बरामद कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एडीजी रेल अन्ना मोहन राव ने बताया कि सेना ने सेवानिवृत्त हो चुके डॉक्टर दीपक रोपरे भुवनेश्वर में रहते हैं। 14-15 मार्च की दरमियानी रात को वे परिवार के साथ वलसाड़ पुरी एक्सप्रेस से बड़ोदरा से भुवनेश्वर का सफर कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी तनुजा का पर्स गायब हो गया। इसके बाद डॉक्टर दीपक ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एडीजी के मुताबिक घटना के बाद पुलिस ने सीडीआर के जरिए साक्ष्य की तलाश की तो पता चला कि संदिग्ध आरोपित की लोकेशन पटना की मिल रही है। रात की टाइम 15:03 की जो दरमियानी रात है, सुबह 4:30 बजे इसमें उनकी बैग की चोरी हुई है और उन्होंने डीआरपी उज्जैन में उसकी रिपोर्ट की है और हमारी टेक्निकल टीम ने सीडीआर एनालिसिस के द्वारा और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाया था उसके आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई करने में सफल हुई। जो राजू मिस्त्री एक व्यक्ति जो है वो पटना का रहने वो उसके द्वारा आरोप ये अपराध किया जाना पाया गया था। पुलिस ने भागवत नागर थाना अहमदकुआ पटना निवासी राजू मिस्त्री को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर राजू ने चोरी करना कबूल कर लिया। उसके घर में अलमारी में छिपा कर रखे गए 6 लाख के जेवरात बरामद कर लिए गए। सख्ती से पूछताछ करने पर राजू ने पुलिस को बताया कि चोरी का आधा माल उसने उज्जैन के फ्रीगंज स्थित ब्रिज के पिलर के पास गड्ढे से दबा कर रखा है। साथ ही स्थान की पहचान के लिए वहां एक बड़ा पत्थर रख दिया है। पुलिस ने राजू की निशानदेही पर फ्रीगंज स्थित ब्रिज के पास से गड्ढे से ही शेष 6 लाख रुपए के जेवरात बरामद कर लिए। AIG रेल धर्मवीर यादव ने बताया कि आरोपित राजू ने चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर पर तैनात रहने वाले BSF के जवानों के बच्चों के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। BSF अकादमी टेकनपुर का BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद किया जा रहा है। इस बारे में कई दौर की चर्चा के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ग्वालियर जिले टेकनपुर में BSF की अकादमी है। यहाँ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के 750 बच्चों का भविष्य अधर में है क्योंकि BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बंद किया जा रहा है। BSF जवानों के परिजनों का कहना है, डबरा SDM के नकारात्मक रवैये के चलते स्कूल बंद हो रहा है। जिला प्रशासन और केंद्रीय विश्वविद्यालय BSF टेकनपुर प्रबंधक के साथ इस बारे में बैठक के दौर चले लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। BSF जवानों के परिजनों ने इस मामले को दिल्ली तक ले जाने का मन बना लिया है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ।
सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए। सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे। वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धार पुलिस ने पीथमपुर से अवैध शराब लेकर भाग जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से शराब की 1425 पेटी बरामद की गई जिनकी कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चुनाव में इस्तेमाल के लिए अवैध शराब लेकर एक ट्रक पीथमपुर से बाघ की ओर रवाना हो रहा है, जिसके बाद राजगढ़ थाना प्रभारी विजेंद्र मिश्रा ने कुछ ही नाका चौकड़ी पर चेकिंग के लिए ट्रक रोक लिया। ट्रक में सवार लोगों ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच में ट्रक में शराब की पेटियां भरी हुई मिली। यह शराब 9126 बल्क लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक भूरा पिता नंदा केसरपुरा पेटलावाद और दूसरे आरोपी रवि पिता रघुनाथ जायसवाल निवासी इंदौर को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर छतरपुर में कांग्रेस ने पार्टी सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को चुनाव में सजग रहने और प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। कांग्रेस ने सीएम के नजदीकी लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा यह कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के टीकमगढ़ खजुराहो और दमोह लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल हुए। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी और स्थानीय विधायकों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव में जिताने के साथ ही केंद्र में राहुल की सरकार बनाने की बात कही। सम्मेलन में प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सीएम कमलनाथ के निजी सचिव और उनसे जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स के छापे जलवा कर केंद्र इन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है। निजी सचिव के घर ऊपर कार्रवाई तो आप सामने भी देख लिया कि निजी सचिव के यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, और अगर जो उनके लॉकर में मिला भी है तो उन्होंने खुद कहा है कि एक एक पैसे का जो भी उत्साह है उसका वो कर अदा करते हैं, और आज मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने हाईकोर्ट में रिट भी दायर कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। हम जा रहे हैं लेकिन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए। सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे। वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई आज दिमाग खराब है मेरा, चाय कुछ नहीं पिलाऊं।
देखो ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, वो दंतेवाड़ा में नक्सली ने वो गाड़ी उड़ा दी, बताओ विधायक मर गए और चार पांच लोग और मर गए। और मैं बता रहा हूँ इतनी मारामारी का शौक है काहे को, अरे चुनाव लड़ो, अपने अधिकार लेना है तो यहाँ आओ, बढ़िया बंगलों में बैठो, इसी बंगलों में लोगों को मानने से कोई अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी खबर ये देख लो इधर पे, मैं टाइगर के पेड़ काट ले गए राधाबानी जंगल के वहां। और मैं बता रहा हूँ देखो टाइगर नहीं बचेगा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, जंगल नहीं बचेंगे बता रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा होश में रहो। और छापे में देखो ये जानवरों की खालें निकल रही है, कहीं हिरण की खाल, कहीं किसी की, और सर टंगे हुए हैं, कहीं हिरण के सामर की ट्रॉफियां टंगी हुई है। ऐसा शौक रहा है जानवरों को मारने का, खुद की खोपियां टांगो बता रही हूँ। ये धार के बाद भैया मांडू में देखो एक बस गिर गई खाई में, वो तो अच्छा हुआ नीचे एक पेड़ था बड़ा, उस पर अटक गई, सबकी है जाने बच गई बताओ। सब ने शंका लप लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए, देखो पेड़ों की शक्ति देखो, पेड़ लगाया करो भैया। हाँ इसीलिए कहता हूँ मैं, वही दबंग 3 की शूटिंग चल रही है वहाँ माहेश्वर में, तो बता रहे इनको परमिशन क्यों दे देती हो बताओ, ये मूर्ति की हाथ तोड़ दिया, रास्ता बांध दिया उससे, वही सलमान खान उस पर खड़े हो रहे हैं, वो शिवलिंग के ऊपर तखत खड़ा कर दिया, वहाँ डांस वांस चल दिया है। और मैं बता रही हूँ ऐसे जो मॉन्यूमेंट है हमने वहाँ पे परमिशन दो ही बात, ये कारीगरों ने कितनी मेहनत से चीजें बनाई है, और इनका क्या है खराब कुरूप करके चले जाएंगे, ये तो चल दिया है। और भैया ये पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेचारे चाय चौ बंद हुई है, बेचारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इनके ये लाउड स्पीकर ले लेकर वहाँ वहाँ करते रहते, बता रहे बहुत दिमाग खराब है आज मेरा। वही पर्चे वर्चे भर रहे हैं लोग, भैया राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया अमेठी से, वही मोदी भरने वाले हैं 26 को मैंने सुना है, ये कमलनाथ ने भर दिए, और मेरा भी भैया मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ, डॉक्टर के यार मेरे सर खराब हो गया है, वो पर्ची में डॉक्टर से भरवाऊंगा कुछ, हाँ गोलियाँ वगैरह लिखवाऊंगा, बता रहे हूँ कसम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दखल न्यूज।